विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मैं इनको नहीं जाने दूंगा, मैं इनका वध कर दूंगा। अपने इस विराट रूप के दर्शन देकर हमें धन्य किया है प्रभु। प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय जी को अनेकों धन्यवाद। यदि वो इस स्थिति को नहीं संभालते तो मेरे पास कोई कार्य ही नहीं रहता। जब स्वर्ग में धनी नहीं होता तो मैं किसका संरक्षण करता? क्यों, क्या कहा था तुमने कि हम सब देवताओं को यमलोक भेजोगे और हम सभी तुम्हारे आदेश पर वहां आत्माओं की गिनती करेंगे। अब देखो, स्वर्ग तो तुम्हारे हाथ से गया ही, लेकिन अब पाताल लोक भी तुम्हारा नहीं रहा। प्रतीत होता है तुम सब असुर यमलोक जाने पर बाध्य होंगे। चिंता मत करो, मैं यमराज से कह देता हूं, वहां जाकर मृतात्माओं के साथ ये चौसर की क्रीड़ा करना। क्यों मित्र शुम, विचार उचित है ना? नहीं देवराजेंद्र, हम इन असुरों के समान नहीं हैं। हम कपट क्रीड़ा से इनका पाताल नहीं छीनेंगे इनसे। जो असुरों का था वो इन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि अन्य किसी की संपत्ति पर लालच की दृष्टि रखना सर्वथा अनुचित है। और असुर महानायक शुंभ, आप सभी को यहाँ से कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु जो आपने मायावी पासों की सहायता से हमसे छीना था, हमें बस वही लौटाना होगा आपको। जिस पर मेरा स्वामित्व स्थापित हो चुका है उसे मैं कैसे लौटा दूं? कुछ नहीं लौटाऊंगा मैं, कुछ नहीं। उचित है असुर महानायक शुंभ का निर्णय। हमारे जैसे महायोद्धाओं के होते हुए इन भीरु देवताओं को कुछ लौटाने की आवश्यकता नहीं। युद्ध करना होगा तो वो भी करेंगे हम, किंतु असुरों की इस विजय को पराजय में परिवर्तित नहीं होने देंगे। कदाचित अब इन देवताओं को अपनी सम्मिलित शक्ति का परिचय देना ही होगा हमें। ये दुष्ट तो युद्ध करने को आतुर है। असुर महानायक शुंभ, हमारे मध्य जो नियत हुआ था, जो शर्त थी, उसे तो आपको पूर्ण करना ही चाहिए। और वैसे भी छल से प्राप्त विजय मिथ्या विजय थी आपकी, इसलिए उस विजय के अनुसार आपको जो भी प्राप्त हुआ उन पर आपका स्वामित्व अनुचित है। मेरे ही राजभवन में सत्य असत्य उचित अनुचित का उपदेश देने की उद्दंडता करने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो तुम? शर्त वर्त निरर्थक है, मेरा निर्णय तो स्पष्ट है। जो कुछ मैंने इन देवताओं से छीना है मैं कभी नहीं लौटाऊंगा, कभी नहीं, क्योंकि अब देवराज मैं हूं। ये शुंभ क्या कर रहा है? सर्वथा अनुचित है इसका क्रोध का आवेश में बहना, इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। उचित आचरण का तनिक भी ज्ञान नहीं है इन असुरों को। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार तो प्रथम बार देख रहा हूं मैं। सबको बंदी बना लो, कारागृह में सबको बंद कर डालो, और इस गणेश को बेड़ियों में जकड़ कर मेरे पास खींच कर इसके प्रत्येक दाव का उचित प्रतिशोध लूंगा मैं। महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ ऐसी उदंडता, ऐसा कर कदाचित शुंभ अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। आ!
हमारी विद्युत शक्ति के। कौन नहीं बनोगे तुम? नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए। क्यों रोक दिया गणेश ने मुझे? मुझे इनसे निपटने दीजिए। मुझ पर और मेरे सेनापतियों पर ही अपने शक्ति का प्रयोग किया इसने। मेरे सेनापतियों को कष्ट पहुंचाया तुमने, तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। ये कैसा प्रकाश है? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रथम पूज्य गणेश जी की अपार शक्ति का सामना कहां कर सकेंगे दुष्ट असुर? ये कैसा दिव्य प्रकाश है जिससे मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं? प्रथम पूज्य गणेश जी, हम कृतार्थ हुए। आपने इस विनाश से हमारी रक्षा ही नहीं की, अपितु अपने इस विराट रूप के दर्शन देकर हमें धन्य किया है प्रभु। ये क्या? क्या महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश विराट रूप में दर्शन दे रहे हैं? किंतु मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूं? मैं तो ऋषि हूं, महादेव का भक्त हूं, फिर भी मैं गणेश जी के दिव्य दर्शन करने में असमर्थ क्यों हूं? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने विराट रूप के दर्शन से वंचित मत कीजिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, मुझे आपका स्वर सुनाई पड़ रहा है प्रभु, किंतु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपको सत्पुरुषों से अधिक कुकर्मियों की संगति प्रिय है। व्यक्ति की संगति का चुनाव उसके समस्त जीवन का आधार बनता है। आप देवादिदेव के आदेश से ही असुरों का मार्गदर्शन करते हैं, ये सत्य है, किंतु इस कारण इनकी बुराई से आप भी प्रभावित हुए हैं। जिस बुराई की काली माँ के छींटे आपके मन पर भी पड़े हैं, इसलिए मेरे दर्शन हेतु आपको अपने मन को पवित्र करना होगा। महादेव के नाम का उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, असुर गुरु शुक्राचार्य, आप असुरों के गुरु हैं, उनके पिता समान हैं। उनका मार्गदर्शन कर उनको विजयी बनाने का यथासंभव प्रयास करना आपका कर्तव्य है, किंतु ये तो अब आपको भी समझ जाना चाहिए कि छल का मार्ग अपनाकर आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। आज आप ये क्या करने जा रहे थे? चौसर के दांव से, द्रुत क्रीड़ा से,
देवराज इंद्र के इंद्रासन, उनके पद और उनके स्वर्ग को उनसे छीनने जा रहे थे। आज के पूर्व भी अनेकों देवासुर संग्राम हुए हैं और असुरों ने आपके मार्गदर्शन में स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया है, किंतु आज का ये छल तो अत्यंत अनीतिपूर्ण और निकृष्ट कृत्य था। आपके चरित्र का इतना पतन कैसे हो सकता है असुर गुरु? और इसमें जितना दोष असुर गुरु शुक्राचार्य का है, उतना ही आपका भी है इंद्रदेव। हाँ इंद्रदेव, और यहाँ ये भी कहना आवश्यक है कि इस द्रुत क्रीड़ा के संचालक असुर गुरु शुक्राचार्य जितने दोषी हैं, उतने दोषी आप भी हो गए हैं इसमें सम्मिलित होकर। जैसे ही चौसर की क्रीड़ा द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुए में परिवर्तित हुई, आपको उसे उसी समय रोक देना चाहिए था इंद्रदेव। कोई बालक नहीं, देवराज है आप। आप अपना विवेक कैसे खो बैठे? देवराज होकर जुए में कैसे फंस सकते हैं आप? आपको तनिक भी ज्ञात नहीं कि द्रुत क्रीड़ा का जुए का तो एक ही संभव परिणाम है, व्यक्ति का पतन, जो आज आपके साथ भी हुआ। यहाँ देवराज बनकर आए थे आप, किंतु देखते ही देखते अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया आपने। मान मर्यादा पद संपत्ति अपना सब कुछ खो बैठे आप। और उससे भी अधिक दुख की बात तो ये है इंद्रदेव, उनको भी दांव पर लगा दिया जिन पर एकमात्र आपका अधिकार नहीं, सभी देवी देवताओं का भी सम्मिलित अधिकार है। और इतना ही नहीं, आपने तो अपनी माता, हम सबकी माता माँ कामधेनु को भी दांव पर लगाने में संकोच नहीं किया। आपको तो स्वयं पर लज्जा आनी चाहिए इंद्रदेव। स्मरण रहे, द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुए की क्रीड़ा में जो भी सम्मिलित हुआ है, उसने सदा अपने पतन का मार्ग निर्धारित किया। जुए से व्यक्ति स्वयं तो निर्धनता की ओर अग्रसर होता ही है और समुदाय तक को महासंकट में डाल देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्रदेव ने स्वर्ग और सभी देवी देवताओं को विपत्ति के मुख में धकेल दिया, इतिहास साक्षी रहेगा कि जब जब संसार में द्रुत क्रीड़ा होगी, जुआ होगा, तब तब संसार विनाश और पतन की क्रीड़ा का भी प्रत्यक्ष दर्शी बनेगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं अपने आचरण निर्णय और व्यवहार के लिए लज्जित हूं प्रभु। मैं आपसे वचन देता हूं, ऐसी भूल मुझसे पुनः नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। इसी क्या हो रहा है? असहनीय पीड़ा हो रही है मुझे, प्रतीत होता है दृष्टिहीन हो जाऊंगा मैं। ये क्या हो रहा है? इन असुरों की दृष्टि क्यों खोती जा रही है? मेरे इस विराट रूप में मेरे दर्शन सभी के लिए संभव नहीं है असुर गुरु शुक्राचार्य। इन असुरों की संगति के कारण आप भी मुझे नहीं देख सकते थे, किंतु महादेव के नाम के जाप से अपना मन शुद्ध कर आप मेरे पंचमुखी रूप के दर्शन करने के योग्य बने। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप एक ऋषि हैं, अन्यथा मेरे दर्शन प्राप्त करने में तो देवताओं को भी कठिनाई हो रही है। सत्य तो ये है कि जो मन वचन और कर्म से शुद्ध है, जिनका मेरे प्रति भक्ति भाव है, वही इस रूप में बिना कष्ट पाए मेरे दर्शन कर पाते हैं। शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज और धूम्रलोचन, इन चारों के विचारों और कर्मों दोनों में ही अशुद्धियां हैं, इसलिए उनके नेत्र
मेरा तेज नहीं सहन कर पा रहे हैं। और यदि वो मुझे देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ समय के लिए वो दृष्टि विहीन हो जाएंगे। अभी भी समय है, संभल जाइए असुर गुरु। शुंभ निशुंभ और उनके सेनापतियों को ब्रह्मदेव और महादेव से वरदान अवश्य प्राप्त है, किंतु आप भूल रहे हैं, यदि वो पुनः अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें उनका दंड अवश्य प्राप्त होगा। और उन्हें दंडित करने वाली शक्ति इतनी प्रचंड, इतनी शक्तिशाली होगी कि इन्हें ऐसी भयंकर मृत्यु प्रदान करेगी कि इनके शव भी नहीं पहचान सकेंगे आप। इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न मत कीजिए जिसके कारण पुनः देवासुर संग्राम छिड़ जाए, क्योंकि आपके शिष्य असुर कितने भी बलशाली क्यों ना हो जाएं, उनके अधर्म के प्रति उनका रुझान और उनका अविवेकपूर्ण आचरण उन्हें कभी विजय नहीं होने देगा। दया कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, ये मेरी चेतावनी है आपके लिए। भैया अब हमें लौटना चाहिए। मैं इनको नहीं जाने दूंगा, मैं इनका वध कर दूंगा। शुंभ, इन्हें रोकने का प्रयास मत करो, जाने दो इन्हें। हमने इनसे जो भी प्राप्त किया है शांति पूर्वक लौटा दो। गणेश की चेतावनी से असुर गुरु अभी तो प्रभावित प्रतीत हो रहे हैं, किंतु ऐसा कब तक रहेगा? तुम्हारे और इंद्रदेव के बीच यही नियत हुआ था, उस शर्त की मर्यादा का पालन करो और देवताओं की निधियों को वापस लौटने दो। कुछ प्राप्त किया था हमने, सब छिन गया हमसे। हमारा पाताल पुनः अपनी समृद्धि खो रहा है। हमारे भंडार अन्न से रिक्त हो रहे हैं। पाताल के वृक्ष आदि भी प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ की प्रकृति हमसे रुष्ट हो रही है। कल्प वृक्ष के स्वर्ग लौटने से उन्हें वंचित हो गए हैं हम।
हमारी विजय को पराजय में परिवर्तित कर दिया इन दोनों ने। आप बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। असुर महानायक शुंभ जी, आपकी मणियां और स्वर्ण जो आपने स्वर्ग लोक भेजे थे, वो सभी आपके धन कोष में लौट चुके हैं। क्योंकि आप असुरों के विपरीत अनुचित साधन से प्राप्त किसी भी वस्तु को अपने अधिकार में नहीं रखते। हम मेरे विचार से हम यहाँ जो करने आए थे वो हो चुका है। अब सब कुछ यथावत हो गया है तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। गणेश, अरे ये क्या, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय जी ने तो भोजन तक स्वीकार नहीं किया। छल मैंने नहीं, आपने किया है असुर महानायक। मायावी पासों से क्रीड़ा कर अन्याय तो आप कर रहे थे। कदाचित उन्हें आरंभ से ही ज्ञात था कि यहाँ देवताओं के साथ छल हो रहा है, और ऐसे स्थान पर आतिथ्य स्वीकार कर भोजन ग्रहण करना उन्हें कदापि स्वीकार नहीं होगा। सत्य उजागर होने के बाद जो अपनी भूल नहीं सुधारते वो दंड के भागी होते हैं।